था। कौरवों के तरफ एक से एक महारथी थे। कौरवों के तरफ भीष्म पितामह से लेकर द्रोणाचार्य से लेकर कई कैसे बड़े बड़े महारथी थे, मगर पांडवों के तरफ भगवान कृष्ण साथी बन के चल रहे थे। आपने देखे गलत और अधर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग निश्चित तौर पर उन्हें समाप्त होगा, और सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग आगे बढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता। ये आप लोगों ने देखे होंगे। तो उसी प्रकार आज वर्तमान समय में ये महाभारत का युद्ध याद आ रहा है। मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, सभी भाई बहनों से, आप भगवान कृष्ण के रूप में हमारा सारथी बने। इस समय सारे गुंडे लोग, माफिया लोग सारे एकत्रित हो गए हैं कि किसी तरह से सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने वाला आपके भाई को, रथ को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और जानता है कि सत्य का रथ कभी रुकता नहीं है, सत्य का रथ कभी रुकता नहीं है, सत्य का रथ सदैव आगे बढ़ता है। आपने देखे कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में सारे भ्रष्टाचार लोग, जितने पार्टियां थी, एक मंच पर आ गए। जो लोग पानी पी पी कर कांग्रेस को गाली दे रहे थे, वैसे लोग आज मोदी जी आने के बाद एक मंच पर खड़े हुए। क्या बात है भैया, कल मोदी जी को गाली नहीं बक रहे थे, कल कांग्रेस को गाली बक रहे थे, आज मोदी जी देश के लिए काम अच्छे कर रहे हैं, मोदी जी को सशक्त और मजबूत बना रहे। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट, कौरवों के तरफ एक से एक महारथी थे। कौरवों के तरफ भीष्म पितामह से लेकर द्रोणाचार्य से लेकर कई कैसे बड़े बड़े महारथी थे, मगर पांडवों के तरफ भगवान कृष्ण साथी बन के चल रहे थे। आपने देखे गलत और अधर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग निश्चित तौर पर उन्हें समाप्त होगा, और सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग आगे बढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता। ये आप लोगों ने देखे होंगे। तो उसी प्रकार आज वर्तमान समय में ये महाभारत का युद्ध याद आ रहा है। मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, सभी भाई बहनों से, आप भगवान कृष्ण के रूप में हमारा सारथी बने। इस समय सारे गुंडे लोग, माफिया लोग सारे एकत्रित हो गए हैं कि किसी तरह से सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने वाला आपके भाई को, रथ को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और जानता है कि सत्य का रथ कभी रुकता नहीं है, सत्य का रथ कभी रुकता नहीं है, सत्य का रथ सदैव आगे बढ़ता है। आपने देखे कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में सारे भ्रष्टाचार लोग, जितने पार्टियां थी, एक मंच पर आ गए। जो लोग पानी पी पी कर कांग्रेस को गाली दे रहे थे, वैसे लोग आज मोदी जी आने के बाद एक मंच पर खड़े हुए। क्या बात है भैया, कल मोदी जी को गाली नहीं बक रहे थे, कल कांग्रेस को गाली बक रहे थे, आज मोदी जी देश के लिए काम अच्छे कर रहे हैं, मोदी जी को सशक्त और मजबूत बना रहे।